इंडियन करेंसी में इसकी वैल्यू कितनी होगी जब आपने परचेज किया था? 3.25 करोड़ के आसपास था। मेरे पास रोबो है जो दिन में 3 बार सफाई करता है। तो जेट के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन यार। गुड आफ्टरनून गाइस, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई, पुरानी वीडियो में काफ़ी रिक्वेस्ट आ रखी थी और एक मेरा भी मन था कि मैं आप लोगों को एक टिपिकल ऑस्ट्रेलियन घर दिखा पाऊँ। तो आज मैं दिखाने वाला हूँ आप लोगों को नेहा और राहुल का घर। ये देखिए, नॉर्मली अगर आप सबर्ब्स के अंदर जाएंगे, सबर्ब्स बोले तो सिटी होगी मेन सिटी से दूर दराज के एरिया होते हैं। एक टाइम में फॉर एग्जांपल जो नोएडा है, गुड़गांव है, वो दिल्ली के सबर्ब्स में आते थे। अब वो एक अलग सिटी बन चुके हैं, लेकिन जो बड़ी सिटी है उसके बोझ को हल्का करने के लिए जो बाहर एरिया बनते हैं या फिर जो छोटी छोटी टाउनशिप बनाई जाती हैं उनको सबर्ब्स बोला जाता है, सब अर्बन एरियाज़। तो ऑस्ट्रेलिया के सब अर्बन एरियाज़ में आपको इस टाइप के घर मिलेंगे। रोड देखिए कितनी मस्त हैं, क्लीन है, साफ़ सफाई नेक्स्ट लेवल पे, और घर के बाहर एकदम आपको गाड़ी खड़ी करने के लिए दोनों तरफ पार्किंग। नेहा और राहुल ने बाहर एक मस्त बोर्ड बना रखा है, इधर गणपति जी की फ़ोटो, ये देखिए शुभ और लाभ। नेहा और राहुल भाई ने यहाँ पे रखा हुआ है एक और गणपति जी। हेलो राहुल भाई, वंस अगेन वेलकम बैक। हाँ जी, तो ये घर आपने परचेज किया था 2019 में? Yes. अच्छा, और ये आपने कंस्ट्रक्ट करवाया था फिर ऑलरेडी? नहीं, ऑलरेडी था, यहाँ पे एक ऑस्ट्रेलियन कपल रहते थे। हेलो नेहा, वंस अगेन हेलो, वेलकम, पधारो। ये वाला आपका वो है ना वर्क स्टेशन है? ये वाला वर्क, हाँ, मेरा होम ऑफिस कह सकते हो। यार मस्त बना रखा है एकदम आपने, आईकिया की वाईकिया की टेबल लगा के। घर है ये कितने स्क्वायर फीट या स्क्वायर मीटर में होगा? ये पूरा लैंड 550 है, पर इसका घर का टोटल शायद 30 स्क्वायर्स होगा। और अभी कितने रूम है आपके पास? अभी 4 बेडरूम है और 2 बाथरूम है और 2 लिविंग रूम है। और अगर मैं बोलूं इंडियन करेंसी में इसकी वैल्यू कितनी होगी जब आपने परचेज किया था? 560 का मैंने लिया था। $5,60,000 के, 3.5 करोड़ के आसपास है, 3.25 करोड़ के आसपास। और अभी इसका एप्रिसिएशन क्या चल रहा है? अभी तो काफ़ी अप्रिशिएट हो गया, अभी 650 तक गया, मतलब है ना, मैंने लेने से बाद में 100K के ऊपर लगभग 50 से 60 लाख रुपए इसके घर के इंक्रीज हो चुके हैं विद इन 2 इयर्स 3 इयर्स। फिर तो ठीक है यार, एप्रिसिएशन काफ़ी सही है। और इधर भाई ने तिरुपति बालाजी है ना? हाँ, ये स्टील केस वाला ऑफिस का है, ये चेयर भी ऑफिस वाले है, पर मैंने यार ये आज ऑस्ट्रेलिया में जैसे वर्क फ्रॉम होम हुआ था तो सारे कंपनीज ने वर्क स्टेशन के लिए उनको हमारी कंपनीज ने भेजी है। आप लोगों का वर्क कल्चर कैसा है यहाँ पे? क्योंकि आपने इंडिया में, दोनों ने इंडिया में काम किया है ना, आपने कितने टाइम किया था इंडिया में? 3 साल। आपने भी 3 साल किया था। वहाँ के वर्क कल्चर और यहाँ के कितना डिफरेंस लगा? 9 to 5 करना है, नो एक्स्ट्रा वर्क, बट 9 to 5 इज कंप्लीट काम करना है, डेस्क पे बैठ के। वो ऐसा नहीं है कि मैं चाय पीने जा रहा हूँ, सिगरेट पीने जा रहा हूँ, ऐसे ब्रेक्स वगैरह कुछ नहीं, काम करना है, मतलब ईमानदारी से काम करना है। आप घर पे भी हो, दे एक्सपेक्ट यू कि यू आर डूइंग योर वर्क ऑनेस्टली। ये जो गेस्ट बेडरूम कह सकते हो, तो यहाँ पे है ना, हम जब भी गेस्ट आते हैं तो उनके लिए ये स्पेस रखी हुई है। धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो उसके हिसाब से चीजें आते रहेंगे, धीरे धीरे ऐड करते रहेंगे, पर अभी वो गिर ना जाए इसलिए। इस जगह का नाम क्या है? विंडम वेल। तो विंडम वेल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसा है? मेलबर्न जा सकते हो, मेलबर्न सीबीडी पहुंच सकते हो, 28 मिनट की फास्ट ट्रेन होती है, सो बहुत ही कन्वीनियंट। और यहां से आप ड्राइव करके गाड़ी पार्क करते हो स्टेशन पे बहुत बड़ा पार्किंग होता है, 500 गाड़ी आराम से बैठ सकती है, तो वहां पे पार्क करनी है, फिर आप ट्रेन लेते हो, ट्रेन से सिटी सदर्न क्रॉस वापस आते हो, वहीं से फिर पार्किंग से आप गाड़ी लेके घर आ जाते हो। और ज्यादा कल्चर यहां पे किसका, गाड़ी का या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का?
नहीं, अगर जो रेगुलर ऑफिस जाना है तो यूजुअली लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, क्योंकि सीवड़ी में आपको पार्किंग नहीं मिलेगी। पार्किंग यहाँ पे तो फ्री होगी क्या रेलवे स्टेशन पे? रेलवे स्टेशन पे फ्री होती है, लेकिन उधर सीवड़ी में, सीवड़ी में नहीं, सीवड़ी में वर्किंग डे पे आप $50 भी पे कर सकते हो एक दिन के। हाँ, पार्किंग के लिए। पार्किंग भाई ₹2,500 एक दिन के। इसलिए कोई प्रेफर नहीं करेगा। यूटिलिटी बिल कितने कितने आते हैं? पानी का हो गया, पानी, गैस, इलेक्ट्रिसिटी होता है, और क्या होता है, और इंटरनेट, इंटरनेट हो गया आपका, और अपने फोन बिल्स होते हैं। ठीक है, उनके एक बार आप थोड़ा बताएंगे कि ये बिल्स का है ना, आप $50 पर फोन कैलकुलेट करो मंथली। ठीक है, $50 पर मंथ। हाँ, फिर आपके गैस बिल और आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल अराउंड $100 ईच आने चाहिए, लाइक मोस्टली आते ही है। वो तो मैं कम बता रहा हूँ, 150 के आसपास भी जा सकता है। और जब ठंड होती है जून जुलाई में, तब आपका गैस बिल ज्यादा चला जाता है, क्योंकि हीटर जो है ऊपर वाला। अच्छा, आपने सेंट्रल हीटर लगवा रखा है? ये सेंट्रल हीटर गैस का है, तो वो बाहर रखा हुआ है क्या? नहीं, उसकी मेन छत पे होता है, छत में ही अपने आप। हाँ, और मैंने हर एक रूम में एसी लगा दिया है, क्योंकि क्या होता है, आप रात भर तो पूरा घर नहीं गर्म करोगे, तो फिर जो एसी जो सिलेक्टेड रूम है उन्हीं के अंदर एसी चलता है। ये वाला लॉन्ड्री है हमारी। हाँ, और लॉन्ड्री से ही है ना एक थर्ड वाला पार्किंग है, जहाँ से आप गाड़ी अंदर लगा सकते हो, पर अभी बारिश हो रही है इसलिए कपड़े हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। और ये वाला आपका वो है हीटर? ये वाला पानी का हीटर है, जो सोलर से भी कनेक्टेड है, लाइक वो जो टैंक दिख रही है। हाँ हाँ, वो सोलर से है ना। ये बाहर क्यों रखे फिर? क्योंकि स्टोरेज मतलब सबसे एफिशिएंट यही स्पॉट है, इसलिए बाहर। अच्छा, बाहर अंदर स्पेस खाएगा कहीं ना कहीं। और जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है वो नेचुरल गैस वाला हीटर है। अच्छा, जैसे कि जब ये पानी खत्म हो जाए ये टैंक में से, तो बाकी का फिर आप जब भी नल खोलोगे तो वो इंस्टेंटली हीट होके फिर अंदर सप्लाई होगा। यहाँ पे वाटर के कनेक्शन दो होते हैं, एक नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर होता है और एक पर्पल कनेक्शन होता है, वो रिसाइकल्ड वाटर होता है। हाँ? वो 100% पोर्टेबल नहीं है, लाइक इट्स नॉट रेडी टू ड्रिंक। हाँ, क्योंकि आप प्लांट को देंगे ना वो आप। हाँ, तो ये जो टैप वगैरह चलता है लाइक वॉशिंग लॉन्ड्री का और इसका, तो ये वो वाला वाटर तो होता है। अच्छा, पानी आपके घर पे भी दो कनेक्शन है पानी के? ये पीने वाला पानी नहीं है, इस नल से मैं पानी नहीं पीऊंगा। नहीं, नहीं, ये वाले से नहीं पियो, बाकी पूरे घर से कहीं पे भी पी सकते हो। जो हम लोग फ्लश करते हैं वो भी पानी हाफ रिसाइकल होता है, लाइक वो पोर्टेबल नहीं है। तो ये सारे नल जो है ये ड्रिंकिंग वाटर है और ये टॉयलेट है। अच्छा यार, टॉयलेट में आपने तो एक बहुत सही काम कर रखा है ना, यहाँ पे भी वो नहीं है ना। आप किसी बाहर कंट्री में जाओगे, खास करके ठंडी कंट्रीज में, आप मान लो कि लोग पेपर यूज़ करते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इतना ठंडा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे पानी का चलन बिल्कुल भी नहीं है। वो अंग्रेज़ों ने अपना जो कल्चर है वो यहाँ पे भी रखा है। तो जितने भी आप इंडियन या अरेबिक घर देखोगे, सबके अंदर आपको जेट स्प्रे अलग से लगवाना पड़ेगा। हाँ, तो ये वाले में नहीं लगवाया, इसमें नहीं लगवाया, मास्टर में लगवाया हुआ है। हाँ, अच्छा, जिसमें मैं रह रहा हूँ, आप रह रहे हो, तो वो ज़्यादा यूज़ होता है ना हमारे। अच्छा, हमने वहाँ पे रखा हुआ है। और बाथरूम साइज ऑलमोस्ट सारे बाथरूम भी आपको ऐसा ही मिला था? तो लोग, ये कल्चर है क्या बाथ टब का यहाँ पे? हाँ है, तो मतलब आप ऐसा नहीं है कि रोज यूज करोगे, बट मंथली स्पेशली बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल है। और ये मेरा, ये वाला भाई मुझे कमरा मिला हुआ है। हाँ। ये देखिए, इधर मेरा बैग पड़ा है और ये है नेहा का वर्क स्टेशन, जो पिछले एक दिन से मैंने कवर कर रखा है। वीकेंड है वैसे भी। हाँ। ये वाला बड़ा है यार, मैंने अब नोटिस किया। हाँ, यार मैं तो आपकी सारी चीजें खा गया हूँ एकदम आते ही। राहुल भाई और नेहा दोनों ही है ना, उसके हैरी पॉटर के बहुत बड़े फैन है। ये फिर वार्डरोब टाइप में है? इसको दरवाजा था, वो निकाल के रखा हुआ है, बट ये जो शेल्फिंग है ये मैंने खुद नहीं बनाई थी। जब मैं कल वॉशरूम में गया तो मैंने गलती से पता नहीं क्या ऑन कर दिया था, तो जो ऊपर बल्ब था वो हीट एमिट कर रहा था। हाँ, तो हीटेड बल्ब है वो, ये जो ऊपर वाली बल्ब है ये हीटेड बल्ब है, और ये वाला भी हीटेड रैक है। अच्छा, टॉवल के लिए। तो जो ऊपर दिख रही है ये जो दो बड़े बल्ब हैं वो ये हीट एमिट कर रहे हैं, हीट एमिट कर रहे हैं। तो बहुत ठंड होती है, बहुत ठंड होती है ना, तो बाथरूम भी बहुत ठंडा हो जाता है। यार ये बात माननी पड़ेगी, इंडिया में जब अपने ठंड में, इवन जब जेट यूज करते हैं और दिल्ली की ठंड में जब ठिठुरते ठिठुरते रूम में जाते हैं, दिल्ली में नहीं यार ये कंसेप्ट सेंट्रल हीटिंग वाला, रहना चाहिए एक्चुअली। मैं बोलना चाहता हूँ ये जो जेट लगाते हैं ना, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत है। हैं? तो एक है ना नॉन रिटर्न वॉल लगाना पड़ता है अगर आप लगवाना चाहते हो तो। क्यों? क्योंकि है ना ये चाहते हैं कि कोई भी पानी है ना पीछे नेटवर्क में नहीं चला जाना चाहिए जो कि इन्फेक्टेड हो।
तो इसलिए है ना सेफ्टी रीजन की वजह से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस इन्होंने रखे हैं। अच्छा, जो आपने घर पे जेट लगा रखा है वो पानी बिल्कुल पीछे नहीं जा सकता, नॉन रिटर्न वॉल्व होता है उसमें। अच्छा, तो जेट के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन है यार बहुत। तो ये कनेक्टेड फॉर्गोला या अल्फ्रेस्को। तो आपके पास घर वाला इंटीरियर ज्यादा है या आउटसाइड ज्यादा एरिया आपके पास? ज्यादा ही है बट आउटडोर भी काफी है एक्चुअली। हाँ, जैसे दो पार्किंग हो गई आपके पास, एक वो गैराज, गैराज अभी दिखाएंगे, भाई ने मस्त बना रखा है यार, गाड़ी की जगह भाई कुछ और ही कर रहे हैं वहाँ पे। भाई ने इधर क्या कर रखा है, दो तरफ से ये जो एक छोटी सी हट बना रखी है ना, इसको पूरे तरीके से बंद कर सकते हैं अगर ठंड वंड आ रखी है और या फिर बहुत तेज बारिश आ रही है और अंदर आ रही है तो इसको पूरा क्लोज कर सकते हैं। ये देखिए आप, हवा पास नहीं होती है। हाँ। 80-90% विंड कम हो जाती है। अच्छा, इतना ही नीचे जाता है कि? नहीं जाएगा और। अच्छा, अब नीचे गिरा। नहीं नहीं गिरा। अच्छा, तो और इधर ये क्या लगा रखा है आपने, ये वाला? ये वाला जो है ये फायर पिट है। हाँ, पर गैस वाला फायर पिट है, इसमें लावा रॉक्स होते हैं। हाँ, लावा रॉक से क्या फायदा होता है? वो हीट रिटेन करते हैं ना लंबी। हाँ, जब ये स्टार्ट करेंगे तो इमीडिएटली नहीं दिखेगा पर ये पूरा पूरा रेड हो जाता है। अच्छा, तो काइंड ऑफ हीटर ही है ये। हाँ, तो फ्लेम नहीं दिखेगी। हाँ, क्योंकि लाइट और काफी वार्म होता है। तो फिर हम लोग पार्टी जब करते हैं, जब पार्टीज करते हैं बाहर। हाँ, तो ये लगा के बैठे हैं। और ये सिलेंडर का प्राइस क्या होगा भाई? वो सिलेंडर बहुत सस्ता होता है, इट्स लाइक अराउंड $25 का कुछ आता है। और कितना केजी? वो 8 kg है। 8 kg है। ये फिर गैराज वाला एरिया हो गया। और लोग अगर किचन गार्डन बनाते तो इसी एरिया में बनाते हैं क्या? इसी एरिया में और वहाँ पे भी बना सकते हैं। ये देखिए इधर पूरा ये क्या नाम है, बैठने बैठने के लिए, पार्टी वार्टी करने के लिए बड़ा सी जगह हो गई। अगर मान लो ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, बारिश ज़्यादा हो रही है तो यहाँ पे आप कपड़े सुखा सकते हो। ये देखिए इधर किचन गार्डन बनाने के लिए भी कितनी जगह, ये पूरा लॉन है। इधर वेदांत के लिए छोटा सा बेबी हाउस, उधर देखा था आपने थोड़ी देर पहले। भाई मस्त लग रहा है यार ये। अभी नेहा बता रही है कि जो छोटा सा घर है ना, इसको क्या बोलेंगे? कभी हाउस। तो बच्चों के खेलने के लिए ये घर है, ये भी ऑलरेडी बना हुआ मिला था। ये बारहवीं को करते हो क्या आप? ये फायरवुड है, वुडन वाला। लाइक अगर गैस वाला नहीं करना है और कभी ये ट्राई करना है। अच्छा, वो क्या ना, तो बारहवीं बारहवीं कहाँ पे करते हो फिर? अच्छा, उसको यार बहुत सही घर मिल गया आपको यार। इसमें सारा इक्विपमेंट है जो अच्छा। भी ये करते हैं आप गार्डनिंग वार्डनिंग और आपका बारबेक्यू बारबेक्यू। हाँ, सही है यार। ये वाला लॉन मोअर है और वो अच्छा, वो आपका बारबेक्यू है। ये गैस वाला है ना? गैस वाला है। ये वाला सबसे अच्छा बड़ा रूम है। हाँ, इसको रंपस कहते हैं या प्ले रूम कह सकते हो। यहाँ पे फिलहाल मतलब वेदांत के टॉयज वगैरह रखते हैं। ये रूम में लाइट भी बहुत प्यारी आती है। हाँ यार, हाँ कुछ ज्यादा ही ब्राइट है। सारे जगह से विंडोज है इसलिए अच्छी लगती है। अच्छा, वेदांत की फोटोज? यस, एवरी मंथ की। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। वेदांत ने ग्रोथ अच्छी ली है ना? यार बहुत प्यारा घर है यार आपका। अच्छा, मराठी मुलाक्षरे ए आ ई। इसको मराठी सिखा रहे हैं। लिविंग रूम और ओपन कांसेप्ट है इसलिए किचन भी यहीं पे है। काफी सही है यार। अब वो वाला कल्चर खत्म हो गया, वरना हाउसवाइफ जो होते थे तो वहीं पे खाना बना रही और वहीं पे वो सीरियल चल रहा है। मेन भी वही था कि मैं खाने सामने कर रही हूं और मैं टीवी देख पा रहा हूं। अगर गेस्ट भी आए, इवन इफ आई एम कुकिंग, आई कैन मैनेज टू टॉक टू देम। पर आजकल अपने इंडिया में भी ये वाला कांसेप्ट आने लग गया है धीरे-धीरे, ये किचन ओपन वाला। ये हमारा पैंट्री का पैंट्री है और अच्छा किचन के हम लोग रोटी वाटी भी रखते हैं। ये जो पिछली वीडियो में शायद मैंने आपको दिखाया था भाई, अरे नहीं भाई मैसी कहां है यार, कुछ भी कर लो। मैंने देखा कि अपन इंडिया में इतना साफ सफाई नहीं रख पाएंगे जितने यहाँ पे रख पाते हैं। आपने नोटिस किया है वाली बात? हम लोग ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं कि नहीं नहीं जितनी नहीं नहीं जितनी क्लीन यहाँ पे आप कर सकते हो उतनी इंडिया में नहीं रख पाओगे आप। धूल हो जाती है इंडिया में, चीजें जल्दी खराब होती हैं, फर्नीचर भी जल्दी खराब होगा, बाकी चीजें भी जल्दी खराब होती हैं। यहाँ पे आप देख लो, लकड़ी का घर इतना लंबा चल रहा है, अपने मुंबई के उधर लकड़ी का घर चल पाएगा क्या? नहीं चल पाएगा। और एक चीज़ है घर क्लीन रखने के लिए, मेरे पास रोबो है जो दिन में 3 बार सफाई करता है, जिसकी बहुत जरूरत पड़ती है मुझे यहाँ पे बहुत नेसेसरी है। मैंने ना भाइयों से पूछा कि आप इंडिया की एक चीज बताओ जो बहुत ज्यादा मिस करते हो। बताओ तो क्या मिस करते हो? काम वाली भाई बहुत मिस करते हैं।
हेल्प है ना वो यहाँ पे मिलना बहुत मुश्किल है यार। होममेकर बहुत मुश्किल है यार यहाँ पे। अगर आप हायर करना चाहो तो मिनिमम से मिनिमम कितना पे करना पड़ेगा तो आपको? मिनिमम वेज देना है कम से कम, राइट? तो $22 पकड़ के चलो, और जितने घंटे काम करवाना है तो लमसम कितना हो जाएगा? $5,000 के आसपास। $5,000 तो हो जाने ही है। आंटी, जब आप पहली बार इधर आए थे आपका कैसा एक्सपीरियंस था? क्योंकि आप तो फर्स्ट टाइम बाहर आए थे इंडिया से। फर्स्ट टाइम फ्लाइट भी, फर्स्ट टाइम बैग। तब तो सिटी में आए थे आपको? सिटी अपार्टमेंट। मेलबर्न सिटी में थी तब। सिटी अपार्टमेंट में कौन से फ्लोर पे था? फिफ्थ फ्लोर पे गार्डन था। फ्लोर पे गार्डन था, बहुत मस्त था। आप उस टाइम फ्लाइट में पहली बार बैठे थे ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगा था। सिंगापुर एयरलाइन से आए थे आंटी आप तो फर्स्ट टाइम में, एकदम दुनिया के सबसे बेस्ट एयरलाइन। अकेले आई थी? हाँ, मेरे मम्मा के साथ आना था बट उनका मेडिकल रीजन से लास्ट मिनट पे कैंसिल हुआ, मेरे डिलीवरी के लिए आना था तो मॉम अकेली आई थी। थैंक यू राहुल, थैंक यू नेहा एंड थैंक यू आंटी जी। आंटी को मराठी में मस्त डायलॉग बोलिए ना। हेलो दीपांशु, कैसा है तू? आना मस्त है। अभी एक बार आपको मैं बाहर से थोड़ा और दिखा देता हूँ। तो नॉर्मली जब आप यहाँ पे आओगे, ऑस्ट्रेलिया का ये टिपिकल घर यही है ना? ऑस्ट्रेलिया का ये नेहा ने पेंटिंग बनाई थी। कब बनाई थी आपने ये? जब मैं मैटरनिटी लीव पे था। अभी सारी चीज हो गई है, घर का टूर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, लेकिन राहुल भाई ने एक मस्त चीज बना रखी है। वैसे ये जगह तो है गाड़ी खड़ी करने की, लेकिन भाई इसका अलग ही यूज कर रहे हैं। ये है भाई का गैराज। यार यहाँ आती ठंड लग रही है। ये क्या है, प्रोजेक्टर है क्या? नहीं, अच्छा अच्छा यहाँ पे चेन लगी है तो चेन यहाँ आएगी। हाँ, फिर मोटर से फिर वो खींच लेता है एंड दिस होल थिंग कम्स अप। अच्छा, ठीक 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 ठीक। आप ये चलाएंगे एक बार? हाँ। आप खेलना यार, मैं आपको रिकॉर्ड करूँगा। भाई ने इधर गाड़ी खड़ी नहीं करते, यहाँ पे एक टीटी की मशीन लगा रखी है, यहाँ से बॉल आएगी और भाई खेलते रहेंगे। ये छोटा सा भाई का जिम सेटअप। मैं इतना फिट हूं तो नहीं, बट नहीं नहीं सही करता हूं कि फिट रहूं। अरे ये आपका वो क्लीनर डायसन वाला है? हां, मोस्टली सारा के पास डायसन है। इसकी कॉस्ट कितनी बड़ी थी भाई? इसकी $700-800 का कुछ था। तो ठीक है, इतना महंगा नहीं है यार। बहुत प्यारा घर है यार आप लोगों का।